Welcome to my class, students. Today we are going to learn about globe, latitudes and longitudes. Okay, so in the previous chapter you have read that your planet Earth is not a sphere, and you can see in the picture also, you at my left hand side you can see the picture of globe and it is slightly tilted. Okay, and you can see it is slightly flattened at the north and south poles. ये जो है पूरी तरह से sphere नहीं है, ये north pole और south pole से little much flattened है, थोड़ा दबा हुआ है, है ना? In the middle. Can you imagine how it looks? You may look at a globe carefully in your classroom. अब हमारे पास यहाँ classroom तो नहीं है, but you can see images. Okay. Later on, I will show you one small video also about it. Okay. So globe is a true model. What is globe? Okay. तो globe is a true model. मीन्स मिनिएचर फॉर्म. एक कोई जैसे कोई बड़ा सा कोई जैसे घर होता है, तो घर का हम कोई मॉडल बनाते हैं ना, छोटा सा थर्मोकॉल का या कुछ का. तो जैसे हम प्रोजेक्ट बनाते हैं, किसी चीज़ का मॉडल बनाते हैं, ब्रिज का, तो वैसे हमारे जो अर्थ तो बहुत बड़ी है, हम तो उसको देख भी नहीं सकते. तो हम उसका जब मॉडल बनाते हैं, एक मिनिएचर बनाते हैं, मिनिएचर मॉडल बनाते हैं, तो उसको हम कहते हैं ग्लोब. तो ग्लोब इट्स जस्ट लाइक जस्ट ए मॉडल ऑफ अर्थ, है ना, मिनिएचर ऑफ मिनिएचर फॉर्म ऑफ अर्थ. तो ग्लोब इज ए ट्रू मॉडल ऑफ दी अर्थ. ओके, तो इफ क्वेश्चन इज देयर कि व्हाट इज ग्लोब, यू मस्ट बी आंसर, यू मस्ट नो द आंसर. द ग्लोब इज ए ट्रू मॉडल ऑफ द अर्थ, मिनिएचर फॉर्म. ओके, लेट्स मूव ऑन. ग्लोब्स मे बी ऑफ वेरिंग साइज एंड टाइप्स, बिग वंस विच कैन नॉट बी कैरिड इजीली, स्मॉल पॉकेट ग्लोब्स एंड ग्लोब लाइक बलून्स विच कैन बी इन्फ्लेटेड एंड आर हैंडी हैंडी एंड कैरिड विथ ईज. ओके, तो देर आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ ग्लोब्स, जो बिग ग्लोब, स्मॉल ग्लोब्स एंड ईजिली वी कैन कैरी ग्लोब. सो ऑल टाइप ऑफ ग्लोब्स आर अवेलेबल. विच कैन बी, वो तो हो गया. द ग्लोब इज नॉट फिक्स्ड, इट कैन बी रोटेटेड. तो ग्लोब इज जस्ट लाइक ए मॉडल. सपोज यू हैव मेड ए मॉडल ऑफ हाउस, है ना, इट इज फिक्स्ड एट वन प्लेस. बट ग्लोब वी कैन रोटेट ऑन इट्स एक्सिस. ओके, द ग्लोब इज नॉट फिक्स्ड, इट कैन बी रोटेटेड. द सेम वे एज ए टॉप स्पिन और ए पॉटर्स व्हील इज रोटेटेड. किस तरह से, जिस तरह से एक कुम्हार जो पॉटर होता है ना, तो जब मटका बनाता है तो व्हील के टॉप पर उसको मटके को घुमाते रहता है, पॉट को घुमाते रहता है. तो वो अपने वो जो एक्सिस पे जो है मिट्टी रख रख कर वो उसको गोल घुमाता रहता है, जो व्हील जो है घूमता रहता है और उसके ऊपर पॉट बनता रहता है. तो जस्ट लाइक दैट ग्लोब भी इसी तरह का है. हम ग्लोब को भी एक एक्सिस के थ्रू उसके रोटेट कर सकते हैं. तो वे एज ए टॉप स्पिन और ए पॉटर्स व्हील इज रोटेटेड. ऑन द ग्लोब कंट्रीज कॉन्टिनेंट्स एंड ओशियंस आर शोन इन देयर करेक्ट साइज. तो व्हाट वी बेनिफिट फ्रॉम द ग्लोब, वी कैन सी द कंट्रीज कॉन्टिनेंट्स ओशियंस सीज लेक्स रिवर्स माउंटेन्स. सो ऑल आर वी कैन सी इन देयर मिनिएचर फॉर्म, इन देयर करेक्ट साइज, बट वी कैन सी देम ऑन ए इमेज. ओके, बिकॉज वी आर नॉट बिग इनफ टू सी द अर्थ फ्रॉम फार डिस्टेंस प्लेस एंड वी कैन नॉट गो दैट मच फार डिस्टेंस. ओके, वी हैव द लिमिटेशन. सपोज वी कैन गो ISS, इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन, अगर हम लोग चाहो सोचे कि ISS पे भी जाते हैं, तो वी कैन नॉट सी द होल अर्थ फ्रॉम ISS also. डू यू नो ISS, इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन. ओके, तो दैट स्पेस स्टेशन आल्सो प्लेस्ड अबोव द 400 मीटर फ्रॉम द सरफेस ऑफ अर्थ. हमारी अर्थ से 400 किलोमीटर की दूर पर यो इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन है, जो कि हमारी धरती का चक्कर लगाता है 90 मिनट्स. इट कैन कंप्लीट वन राउंड. ओके, बट हम उस ISS पर भी चले जाए, अभी भी वहाँ पे हमारे एस्ट्रोनॉट रहते हैं ना ISS पे, वो स्टडी करते रहते हैं. तो अभी आपने अगर आप न्यूज़ पढ़ते होंगे, इंटरनेशनल न्यूज़, तो अभी SpaceX का एक रॉकेट लेके गया था उनको, दो एस्ट्रोनॉट को. तो हम अगर वहाँ से भी दूरबीन से देखें या जिस भी टेलीस्कोप से देखें, तो भी हमें अर्थ पूरा नहीं दिख सकता और इतना क्लैरिटी के साथ नहीं दिख सकता जितना क्लैरिटी और जितना हम अंडरस्टैंडिंग हम ग्लोब से ले सकते हैं. ओके, बट दैट इज़ अ डिफरेंट पार्ट, बिकॉज इट वॉज प्लेस्ड फॉर स्टडी पर्पज इन स्पेस, है ना. बट ग्लोब वी आर अंडरस्टैंडिंग अवर अर्थ स्ट्रक्चर. तो डिफरेंट पर्पज आर देयर. ओके, तो यहाँ पे आपको समझ में आ गया होगा. तो हमें ग्लोब से क्या जानने को मिलता है, तो वी नो फ्रॉम द ग्लोब कंट्रीज कॉन्टिनेंट्स ओशियंस एंड आर देयर शोन इन देयर करेक्ट साइज. ओके, तो वी कैन हियर अंडरलाइन आल्सो.
ओके ऑन द ग्लोब कंट्रीज कंटिनेंट्स है ना, यू कैन सी योर ओशियन ऑन द करेक्ट साइज. ओके तो जस्ट लाइक जहाँ जो जो भी इम्पोर्टेंट है वो हम लोग उसको देख सकते हैं. ओके वेयर वी आर. ओके इट इज़ डिफिकल्ट टू डिस्क्राइब द लोकेशन ऑफ ए पॉइंट ऑन ए स्पीयर लाइक द अर्थ. तो अगर जैसे ये तो स्पीयर लाइक होता है यानी एक सर्कल साइज है इसका, तो हाउ वी कैन पॉइंट प्लेसेस ऑन द अर्थ. नाउ द क्वेश्चन आर एज एज टू हाउ टू लोकेट प्लेस ऑन इट. वी नीड सर्टेन पॉइंट्स रेफरेंसेस एंड लाइन्स टू फाइंड आउट द लोकेशन ऑफ प्लेसेस. तो हमें कुछ तो ऐसे रेफरेंसेस होने चाहिए जैसे हम किसी प्लेस को लोकेट कर सकते हैं. एक सपाट सर्कल पे या ग्लोब पे या एक गोले जैसे गोले पे हम लोग कैसे कोई चीज़ का हम प्लेस लोकेशन तय कर सकते हैं. तो वी शुड नो द सर्टेन रेफरेंसेस एंड लाइन्स. ओके तो फॉर दैट वी विल यू विल नोटिस दैट ए नीडल इज फिक्स्ड थ्रू द ग्लोब इन टिल्टेड मैनर. ओके जो नीडल जो फिक्स किया गया आप देख सकते हो वो टिल्टेड मैनर में फिक्स किया गया. दिख रहे हो आप लोगों को यहाँ पे. ओके यहाँ पे आप लोगों को ये टिल्टेड मैनर में दिख रहा होगा नीडल फिक्स किया गया. ओके दिख रहा ये जो है ना, एक मिनट सॉरी, ये इधर ये टिल्टेड मैनर में यहाँ पे है, इमेज ज़्यादा बड़ी हो गई. ओके ये टिल्टेड मैनर में पिन को फिक्स किया गया है. कैन नॉट बी. ओके यू विल नोटिस नीडल इज फिक्स थ्रू द ग्लोब इन अ टिल्टेड मैनर विच इज कॉल्ड इट्स एक्सिस. तो व्हाट इज एक्सिस, जो उसके नॉर्थ पोल और साउथ पोल को कनेक्ट करता है हमारे अर्थ को, दैट इज कॉल्ड एक्सिस. टू पॉइंट्स ऑन द ग्लोब थ्रू विच द नीडल पासेस आर टू पोल्स. जो नीडल जो एक दूसरे को कनेक्ट करते टू पॉइंट्स, तो टू पॉइंट्स कौन कौन से हो गए, नॉर्थ पोल एंड साउथ पोल. तो उसको जो कनेक्ट करने वाली लाइन है दैट इज कॉल्ड एक्सिस. ओके एक्सिस क्या है, नॉर्थ पोल और साउथ पोल को कनेक्ट करने वाली लाइन. ओके तो टू पॉइंट्स ऑन द ग्लोब थ्रू विच द नीडल पासेस आर टू पोल्स, नॉर्थ पोल एंड साउथ पोल. तो नॉर्थ पोल साउथ पोल में आपको मालूम हो गया, जो नॉर्थ साइड में वो नॉर्थ पोल हो गया, जो साउथ साइड में वो साउथ पोल हो गया. द ग्लोब कैन बी मूव्ड अराउंड दिस नीडल फ्रॉम वेस्ट टू ईस्ट. दिस ऑल्सो नीड टू रिमेंबर कि ग्लोब जो है इट कैन बी रोटेटेड. जैसे हम देखते हैं कि सनराइज जो होता है वो ईस्ट में होता है और वो सनसेट कहाँ होता है, वेस्ट में होता है, isn't it? बट हमारी जो अर्थ है वो किस तरह से मूव करती है ना, ईस्ट टू राइट तो मूव करती है या वेस्ट टू राइट, वेस्ट टू ईस्ट. तो हमें ये ध्यान रखना चाहिए कि जो हमारा जो रोटेशन है अर्थ का वो कैसा होता है. इट मूव्स ओके ये यहाँ पे लिखा हुआ है, इट कैन बी मूव अराउंड फ्रॉम वेस्ट टू ईस्ट. तो हमारा जो अर्थ है वो कैसा रोटेट होता है, वेस्ट टू ईस्ट. तो नीड टू रिमेंबर इट. ओके जस्ट एट अर्थ मोस्ट, बट रिमेंबर देर इज अ मेजर डिफरेंस, द रियल अर्थ हैज नो सच नीडल. हाँ ये बात आपको ये मत मान लेना कि जैसे ग्लोब में अगर नीडल होता है नॉर्थ पोल टू साउथ पोल तो यहाँ हमारी धरती में भी ऐसी कोई रॉड डली होगी. ओके नॉट लाइक दैट. तो हम जो ग्लोब बनाया है, हम जो नीडल लगाया है, ये हमने समझने के लिए लगाया है, दैट ऑल आर इमेजिनरी. ओके जैसे आगे हम अभी लेटिट्यूड लॉन्गिट्यूड के बारे में भी पढ़ेंगे, तो दीज आर ऑल्सो इमेजिनरी लाइन्स. पर व्हाट पर्पस, व्हाई वी आर लर्निंग दिस लेटिट्यूड लॉन्गिट्यूड एक्सिस नॉर्थ पोल साउथ पोल, तो बिकॉज वी मस्ट नो अबाउट अवर लोकेशंस. क्योंकि इतने बड़े लोकेशन में हमें तो फिर पता ही नहीं होता, किसी का कोई कंट्री ना होता, किसी का कोई विलेज ना होता, है ना. सो लोकेट द प्लेसेस एंड टू फिक्स देयर बाउंड्रीज है ना. तो वी शुड नो ऑल दिस थिंग्स. ओके अनदर इमेजिनरी लाइन रनिंग ऑन द ग्लोब डिवाइड्स इट इंटू टू इक्वल पार्ट्स. वन मोर इमेजिनरी लाइन वी आर गोइंग टू लर्न नाउ, दैट इज इक्वेटर. दिस इक्वेटर डिवाइड द अर्थ इंटू टू इक्वल पार्ट्स. ये जो इक्वेटर है वो हमारे अर्थ को टू पार्ट्स में डिवाइड करता है, टू इक्वल पार्ट्स. ओके दिस लाइन इज नोन एज द इक्वेटर. द नॉर्दर्न हाफ ऑफ द अर्थ इज नोन एज नॉर्दर्न हेमिस्फीयर. तो वॉट इज हेमिस्फीयर, जो हाफ पार्ट ऑफ द अर्थ वो हेमिस्फीयर, नॉर्थ और अगर साउथ में डिवाइड करते हैं तो नॉर्दर्न ऊपर का जो पार्ट है, इक्वेटर के ऊपर का जो पार्ट है वो कहलाएगा नॉर्दर्न हेमिस्फीयर. एंड हाफ ऑफ इज नोन एज द साउदर्न हेमिस्फीयर. दे आर इक्वल हाफ्स. देयरफॉर द इक्वेटर इज एन इमेजिनरी सर्कुलर लाइन एंड इज अ वेरी इंपॉर्टेंट रेफरेंस पॉइंट टू लोकेट प्लेसेस on the earth. So you should remember that the equator is a imaginary circular line and is very important reference to locate the places on the earth. Okay, all parallel circles from the equator up to the pole are called parallel of latitudes. जो आपको ये circles दिख रहे होंगे, north pole 80 degree north, 60 degree north, 40 degree north,
है ना, 20 डिग्री नॉर्थ, दिस ऑल आर पैरेलल टू इक्वेटर. इक्वेटर जो इक्वेटर का जो सर्कल है आप देख रहे होंगे, ये नॉर्थ पोल. ओके, यू कैन सी हियर नॉर्थ पोल, 80 डिग्री नॉर्थ, 60 डिग्री नॉर्थ, 40 डिग्री नॉर्थ, 30 डिग्री नॉर्थ. तो दीज आर द पैरेलल ऑफ लेटिट्यूड्स. लेटिट्यूड्स आर मेजर्ड इन डिग्रीज. ओके, तो ऑल पैरेलल सर्कल्स फ्रॉम द इक्वेटर अप टू द पोल्स आर कॉल्ड पैरेलल्स ऑफ लेटिट्यूड. ओके, तो ये बात आपको समझ में आगे होगी. तो ये डॉटेड लाइन, यू कैन नोटिस हियर डॉटेड लाइन इज इक्वेटर. ये जो डॉटेड लाइन है ये इक्वेटर है, डॉटेड लाइन. ओके, सो यू कैन सी, तो नाउ यू अंडरस्टूड व्हाट इज हेमिस्फीयर. जो इक्वेटर के आप नॉर्थ पोल और साउथ पोल के जो इक्वेटर के जो नॉर्थ के तरफ का हिस्सा है वो हो जाएगा आपका नॉर्दर्न हेमिस्फीयर, और साउथ के इक्वेटर के जो साउथ है यानी जो सेकंड हाफ है यानी जो लोअर हाफ है, समझो आई विल ड्रा लाइन हियर. सपोज व्हाट, ओके स्ट्रेट लाइन. सपोज दिस इज इक्वेटर एंड इट इज नॉर्दर्न हेमिस्फीयर एंड दिस इज साउदर्न हेमिस्फीयर. सॉरी, दिस इज साउदर्न हेमिस्फीयर. ओके, दिस इज नॉर्दर्न हेमिस्फीयर, नॉर्दर्न एनएच हम बोल सकते हैं, दिस इज साउदर्न हेमिस्फीयर. सो आई होप यू अंडरस्टूड नॉर्दर्न हेमिस्फीयर, साउदर्न हेमिस्फीयर, इक्वेटर. ओके, नाउ कम टू द नेक्स्ट. ओके, द इक्वेटर रिप्रेजेंट जीरो डिग्री. ओके, तो इक्वेटर का जो वैल्यू है वो कितना है, जीरो डिग्री है लैटिट्यूड. उसे हम इक्वेटर को बोलते हैं जीरो डिग्री लैटिट्यूड. ओके, तो इक्वेटर को हम क्या बोलेंगे, जीरो डिग्री लैटिट्यूड. यहाँ याद रखिए आप लोग, जीरो डिग्री लैटिट्यूड, नीड टू रिमेंबर इट. ओके, जीरो डिग्री लैटिट्यूड. ओके, सिंस द डिस्टेंस फ्रॉम द इक्वेटर टू आइदर द पोल्स, आइदर ऑफ द पोल्स इज वन फोर्थ. जो डिस्टेंस होता है इक्वेटर से पोल की तरफ वो होता है वन फोर्थ ऑफ दिस सर्कल. ओके, वन फोर्थ ऑफ द सर्कल राउंड द अर्थ. इट विल मेजर वन फोर्थ ऑफ 360 डिग्री. पूरे सर्कल का जो एंगल होता है आप लोगों को पता ही होगा वो 360 डिग्री होता है ना. पूरा जो सर्कल का जो एंगल होता है वो 360 डिग्री होता है. हाफ सर्कल 180 डिग्री होता है और वन फोर्थ जो सर्कल होता है वो 90 डिग्री होता है. ओके, सो इट विल मेजर 360 डिग्री, दैट इज 90 डिग्री. ओके, थस 90 डिग्री नॉर्थ लैटिट्यूड मेक्स द नॉर्थ पोल एंड 90 डिग्री साउथ लैटिट्यूड मार्क्स द साउथ पोल. ओके, नाउ आई होप यू अंडरस्टूड. ये जो नॉर्थ 80 डिग्री है, 80 डिग्री के जस्ट ऊपर वाला आप देख रहे होंगे नॉर्थ पोल. ओके, दिस इज 90 डिग्री, ये दिख रहा है आप लोग को नॉर्थ पोल. ओके, दिस इज 90 डिग्री, ये नॉर्थ पोल जो है 90 डिग्री नॉर्थ आ जाएगा ये. ओके, 90 डिग्री नॉर्थ, तो सेम वे 90 डिग्री साउथ आ जाएगा, 90 डिग्री साउथ लेटिट्यूड. ओके, 90 डिग्री साउथ लैटिट्यूड मार्क्स द साउथ पोल. तो नॉर्थ पोल साउथ पोल का जो वैल्यू है आपको समझ में आ गया होगा, 90 डिग्री नॉर्थ लैटिट्यूड एंड नॉर्थ पोल और 90 डिग्री साउथ लैटिट्यूड रिप्रेजेंट साउथ पोल. ओके, एज सच ऑल पैरेलल्स नॉर्थ ऑफ द इक्वेटर आर कॉल्ड नॉर्थ लैटिट्यूड्स. जो भी लैटिट्यूड्स होगी वो नॉर्थ इक्वेटर के ऊपर के वो नॉर्थ लैटिट्यूड. सिमिलरली ऑल पैरेलल्स साउथ ऑफ द इक्वेटर आर कॉल्ड साउथ लैटिट्यूड. यानी इक्वेटर के नीचे जो इमेजिनरी लाइन्स है वो साउथ लैटिट्यूड्स कहलाएगी, इक्वेटर के जो ऊपर वाली लाइन्स है वो नॉर्थ लैटिट्यूड्स कहलाएगी. ओके, द वैल्यू ऑफ इच लैटिट्यूड इज देयरफॉर फॉलोड बाय आइदर ऑफ द वर्ड ईच आइदर ऑफ द वर्ड नॉर्थ और साउथ. जो भी हम वैल्यू बोलते हैं जैसे 23 जो 66 या 90, तो उसको हमको डिनोट करना पड़ेगा या रिप्रेजेंट करना पड़ेगा नॉर्थ एंड नॉर्थ फॉर एंड फॉर नॉर्थ एंड एस फॉर साउथ. ओके, हियर इज गिवन, दिस इज द इंडिकेटेड बाय लेटर एंड और एस. फॉर एग्जांपल बोथ चंद्रपुर, हियर वन एग्जांपल इज गिवन, यू शुड रिमेंबर इट. फॉर एग्जांपल बोथ चंद्रपुर इन चंद्रपुर इन महाराष्ट्र एंड बेलो होरिजोनट इन ब्राज़ील. ओके, साउथ अमेरिका. ब्राज़ील आपको पता ही है साउथ अमेरिका में है और चंद्रपुर तो हमारे महाराष्ट्र में इंडिया में है. सो आपको ये भी पता है कि हमारा इंडिया किस में आता है, नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में आता है. ब्राज़ील किस में आता है, साउदर्न हेमिस्फीयर में आता है. अब उनका लोकेशन अगर हमको लिखना है तो हम कैसे लिखेंगे, आर लोकेटेड ऑन द पैरेलल्स ऑफ अबाउट 20 डिग्री लैटिट्यूड. ओके, बट द फॉर्मर इज 20 डिग्री नॉर्थ इक्वेटर. तो हमारा जो चंद्रपुर है वो इक्वेटर के ऊपर है, तो इसको 20 डिग्री नॉर्थ ऑफ द इक्वेटर लिखना पड़ेगा. एंड द लेटर और जो बात का जो ब्राज़ील का जो शहर है जो बेलो है वो 20 डिग्री साउथ ऑफ इट.
ओके, तो 20 डिग्री एस लिखना पड़ेगा हमको, ओके, तब हमको समझ में आएगा। तो ये एग्जांपल आपको क्लियर हो गया होगा, है ना। तो जो इक्वेटर के ऊपर है उसको लिखते समय हमें एन लिखना है, और जो इक्वेटर के नीचे है उसको लिखते समय हमको एस लिखना है, साउथ लिखने के लिए, साउथ बताने के लिए। ओके, तो चंद्रपुर सिचुएटेड नॉर्थ डिग्री लेटिट्यूड एंड बेलो इज सिचुएटेड, सो चंद्रपुर इज सिचुएटेड नॉर्थ डिग्री लेटिट्यूड एंड बेलो ओरिजन इज सिचुएटेड एट 20 डिग्री साउथ लेटिट्यूड। ओके, वी कैन सी इन द फिगर 2.2, यू कैन सी 2.2 हेयर इट इज हेयर। ओके, ये 20 डिग्री नॉर्थ दिख रहा होगा और 20 डिग्री साउथ आपको दिख रहा होगा। ओके, दीज आर द पैरेलल सर्कल्स। ओके, नाउ इंपॉर्टेंट पैरेलल्स ऑफ लेटिट्यूड। बिसाइड द इक्वेटर 0 डिग्री द नॉर्थ पोल 90 डिग्री एन एंड द साउथ पोल 90 डिग्री साउथ मीन्स एस। ओके, तो दीज आर द फोर इंपॉर्टेंट पैरेलल्स ऑफ द लेटिट्यूड, नीड टू रिमेंबर। ओके, व्हाट आर द फोर इंपॉर्टेंट पैरेलल्स? द फर्स्ट इज इक्वेटर, क्या हो गया, फर्स्ट इज इक्वेटर, देन सेकंड इज नॉर्थ पोल 90 डिग्री एन, ओके, साउथ पोल 90 डिग्री एस। देर आर फोर इंपॉर्टेंट पैरेलल्स ऑफ लेटिट्यूड्स। नाउ द फोर इंपॉर्टेंट पैरेलल्स, ये तो आपको पता चल गया कि इक्वेटर 0 डिग्री, नॉर्थ पोल 90 डिग्री एन, साउथ पोल 90 डिग्री साउथ। नाउ फोर मोर इंपॉर्टेंट पैरेलल्स आर गिवन हियर, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट एंड इट इज आस्क्ड इन द एग्जाम फ्रिक्वेंटली। द फर्स्ट वन इज ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। ओके, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर ये इक्वेटर के ऊपर होता है, इसीलिए आप देख सकते हैं, यू कैन सी हियर 23.5 डिग्री नॉर्थ एन लिखा है यहाँ पे, यू कैन नोटिस हियर 23.5 डिग्री नॉर्थ इन द नॉर्दर्न हेमिस्फीयर। तो फर्स्ट वन इज ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, सेकंड इंपॉर्टेंट पैरेलल इज ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉन, जस्ट सिमिलर बट इन द सदर्न हेमिस्फीयर, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉन एंड इट्स वैल्यू इज 23.5 डिग्री, वैल्यू इज सेम बट द हेमिस्फीयर इज चेंज्ड, तो 23.5 डिग्री इन साउथ एस। ओके, तो ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉन 23.5 डिग्री साउथ, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर 23.5 डिग्री नॉर्थ। ओके, इन द साउदर्न हेमिस्फीयर में कैप्रिकॉन है और नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में क्या है, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर है। देन थर्ड इज आर्कटिक सर्कल, थर्ड वन क्या है, आर्कटिक सर्कल। ओके, आर्कटिक सर्कल थर्ड वन इज, तो इसका वैल्यू क्या है, 66.5 डिग्री नॉर्थ आर्कटिक। ओके, आर्कटिक जो सर्कल है उसका वैल्यू कितना है, 66.5। एंड फोर्थ वन इज एंटार्क्टिका सर्कल, इसका भी वैल्यू सेम है बट ये किस में आएगा, साउथ में आएगा, 66.5। यू कैन नोटिस इट इन द फिगर 2.3। ओके, हियर इज फिगर 2.3, नाउ सी, यू कैन सी इन दिस पिक्चर। ओके, सी हियर, दिस इज इक्वेटर। ओके, इक्वेटर 0 डिग्री लिखा है यहाँ पे, 0 डिग्री। ओके, देन ट्रॉपिक ऑफ कैंसर वैल्यू इज 23.5 डिग्री नॉर्थ, देन ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉन, सी हियर ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉन एंड इट्स वैल्यू इज यू नो 23.5 साउथ। ओके, एंड नाउ यू कैन सी आर्कटिक सर्कल 66.5 नॉर्थ। ओके, आर्कटिक सर्कल। ओके, एंड देन यू कैन सी हियर अंटार्कटिका सर्कल। ओके, अंटार्कटिका सर्कल, वेट, अंटार्कटिका सर्कल, दिस इज अंटार्कटिका सर्कल एंड इट्स वैल्यू ऑल्सो 66.5 डिग्री साउथ। ओके, तो दिस आर द फोर मेन इंपॉर्टेंट सर्कल्स, पैरेलल लेटिट्यूड्स। ओके, इक्वेटर, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉन, आर्कटिक सर्कल एंड अंटार्कटिका सर्कल एंड इट्स वैल्यूज। ओके, नाउ होप यू अंडरस्टूड व्हाट आई टॉट यू। ओके, नाउ कम टू द जोन्स। ओके, हियर आल्सो वी कैन सी द जोन्स, टॉरिड जोन्स, ओके, फ्रिजिड जोन, तो वी कैन सी इन डिटेल हियर आल्सो। तो सबसे पहले है हीट जोन्स ऑफ द अर्थ। ओके, हीट जोन क्या होता है, ओके, ये फिगर 2.4 में क्या दिया है, टॉर्च लाइट फॉलिंग ऑन द स्ट्रेट सरफेस इज ब्राइट एंड कवर्स ए स्मॉलर एरिया। ओके, हाँ, इट इज़ वो बाद में पढ़ेंगे हम लोग,
ये टॉर्च से कैसे उन्हें लाइट को किस तरह से बताया गया है. बट फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू रीड अबाउट हीट जोन्स ऑफ द अर्थ. द मिड डे सन इज एग्जैक्टली ओवर हेड एटलीस्ट वंस अ ईयर ऑन ऑल लैटिट्यूड्स इन बिटवीन द ट्रॉपिक ऑफ कैंसर एंड ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉन. ओके, ये जो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर से लेकर ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉन का एरिया है, वहाँ पे साल में किसी ना किसी दिन कंप्लीटली हमारे सर के ऊपर सूरज आता है. ओके, द मिड डे सन इज एग्जैक्टली ओवरहेड एटलीस्ट वंस अ ईयर ऑन ऑल लैटिट्यूड्स इन बिटवीन ट्रॉपिक ऑफ कैंसर एंड द ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉन. आई विल शो यू दैट एरिया, सी हियर. ओके, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर से लेकर ट्रॉपिक ऑफ, ये दिख रहा है आपको, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर से लेकर ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉन, यहाँ पे साल के किसी ना किसी दिन सर के ऊपर एक बार तो भी सूरज आता है. ओके, यहाँ पे वंस अ ईयर ऑन ऑल लैटिट्यूड्स इन बिटवीन ट्रॉपिक ऑफ कैंसर एंड ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉन. दिस एरिया देयरफॉर रिसीव्ड द मैक्सिमम हीट एंड इज कॉल्ड द टॉरिड जोन. तो दिस एरिया इज गेटिंग लॉट्स ऑफ हीट थ्रू आउट द ईयर एंड दैट्स वाई इट इज कॉल्ड टॉरिड जोन. तो टॉरिड जोन, यू मस्ट नो द लोकेशन, इट इज इन बिटवीन द ट्रॉपिक ऑफ कैंसर एंड ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉन एंड इट गेट्स मैक्सिमम ऑफ हीट फ्रॉम द सन एंड दैट्स वाई इट इज कॉल्ड ट्रॉपिकल जोन या टॉरिड जोन. ओके, दिस एरिया, दिस ग्रीन एरिया, ओके, दिस ग्रीन एरिया इज कॉल्ड टॉरिड जोन. ओके, तो ये पूरा जो एरिया है, यू कैन सी हियर, ये जो एरिया है, दिस एरिया, ये जो पूरा एरिया जो है, ये क्या कहलाता है, ये टॉरिड जोन है. क्या क्या, कौन सा जोन है ये, टॉरिड जोन. एंड इट इज इन बिटवीन ट्रॉपिक ऑफ कैंसर टू ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉन बिकॉज इट गेट्स मैक्सिमम ऑफ टेम्परेचर. ओके, तो दिस इज टॉरिड जोन, नीड टू रिमेंबर इट. दिस एरिया देयरफॉर रिसीव्स मैक्सिमम हीट एंड इज कॉल्ड टॉरिड जोन. ओके, द मिड डे सन नेवर शाइन्स ओवरहेड ऑन एनी लेटिट्यूड बियॉन्ड द ट्रॉपिक ऑफ कैंसर एंड द ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉन. जो मिड डे सन है वो नेवर सनशाइन ओवरहेड इस जो दोनों जो लेटिट्यूड है, क्या ट्रॉपिक ऑफ कैंसर एंड ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉन, इस लाइन के नॉर्थ पोल की तरफ या इस कैप्रिकॉन के साउथ पोल की तरफ किसी भी लेटिट्यूड में मिड डे में सन कभी भी सन ओवरहेड नहीं आता है साल के किसी भी महीने में किसी भी दिन. ओके, तो ये टॉरिड जोन ही है जहाँ पर साल के किसी ना किसी दिन हमारे सर पर सूरज आता है. ओके, तो आई थिंक इट इज़ क्लियर टू यू कि ये खासियत है टॉरिड जोन की, कि ओनली टॉरिड जोन में ही ओवरहेड सन आता है. द मिड डे सन नेवर शाइन्स ओवरहेड ऑन एनी लेटिट्यूड बियॉन्ड द ट्रॉपिक ऑफ कैंसर एंड द ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉन. द एंगल ऑफ द सन रेज गोज ऑन डिक्रीजिंग टुवर्ड्स द पोल्स. जो पोल्स की तरफ है जो सन रेज है वो डिक्रीजिंग जाते हैं क्योंकि वो सीधे नहीं पड़ते हैं. ओके, एज सच द एरियाज बाउंडेड बाय द ट्रॉपिक ऑफ कैंसर एंड आर्कटिक सर्किल इन द नॉर्दर्न हेमिस्फीयर एंड ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉन एंड अंटार्कटिक सर्कल इन द साउदर्न हेमिस्फीयर हैव मॉडरेट टेम्परेचर. तो दीज आर देयरफॉर कॉल्ड टेम्परेट जोन्स. नाउ द टेम्परेट जोन मीन्स जो टेम्परेट जोन है वो टॉरिड जोन से बियॉन्ड, यानी आर्कटिक सर्कल से लेकर ट्रॉपिक ऑफ कैंसर. दिस इज आर द नॉर्थ टेम्परेट जोन, यू कैन सी इन द पिक्चर. ओके, नॉर्थ टेम्परेट जोन एंड इट्स बाउंड्री स्टार्ट फ्रॉम द ट्रॉपिक ऑफ कैंसर towards north pole, towards means arctic circle, not up to the north pole. Okay, towards arctic circle, up to arctic circle, 66.5 degree north. And here in the south, from tropic of cancer to antarctica circle, only up to antarctica circle. This is south temperate zone. Okay, so now you know the north temperate zone and south temperate zone. Is that clear to you? I think. Okay. तो frigid zone हो गया, temperate zone हो गया. Okay. Temperate zone. Okay. तो areas lying between the Arctic Circle. अच्छा, आप लोगों ने भी सोचा होगा यहाँ पे, इसलिए ये चित्र दिखाया गया है कि क्यों यहाँ पे pole की तरफ जो टेम्परेचर क्यों डाउन होता होगा. तो दिस बिकॉज ऑफ दिस पिक्चर यू कैन सी, अगर कोई सनरेज जो है किसी वस्तु पर स्ट्रेट पड़ रहे हैं तो वो वहाँ पे हीट ज़्यादा होगी, है ना, और वो इट विल गेट मैक्सिमम लाइट एंड हीट आल्सो. बट
जब ये फ्लैट तरीके से जाते हैं या टिल्टेड मैनर में जाते हैं सनरेज किसी भी वस्तु पर, पहाड़ पे, पर नदी पर्वत पे, तो अगर वो तिरछे किरणें पड़ती है तो वहाँ पे हीट और लाइट जो है वो कम हो जाता है, इस कारण से इधर का टेम्परेचर भी कम होता है। इसीलिए आप देखना देखते होंगे कि जो नॉर्थ की तरफ जो कंट्रीज है, रशिया, चाइना, अमेरिका, तो यूरोप इवन, तो वहाँ पे जो ये ऑल द कंट्रीज आर इन टेम्परेट जोन, क्योंकि यहाँ का जो टेम्परेचर है वो एरिड जोन के तरह जो है वो सॉरी जो आपका जो हाँ टॉरिड जोन की तरह ज़्यादा हाई नहीं होता। ओके, तो बिकॉज ऑफ द दिस रीज़न यू कैन अंडरस्टैंड बाय सीइंग दिस पिक्चर्स कि टॉर्च लाइट फॉलिंग ऑन द स्ट्रेट सरफेस इज ब्राइट एंड कवर्स अ स्मॉलर एरिया, बट टॉर्च लाइट फॉलिंग ऑन ए स्लॉन्टेड सरफेस इज लेस ब्राइट बट कवर्स ए बिगर एरिया। ओके, तो टेम्परेट जोन मैंने आपको बता दिया। तो एरियाज लाइंग बिटवीन आर्कटिक सर्कल एंड नॉर्थ पोल इन द साउदर्न नॉर्दर्न हेमिस्फीयर एंड अंटार्कटिका सर्कल इन द साउथ पोल इन द साउदर्न हेमिस्फीयर आर वेरी कोल्ड। अब बात करते हैं आर्कटिक सर्कल की, जो नॉर्थ पोल में है और जो साउथ पोल में है उसका नाम क्या है, अंटार्कटिका सर्कल। तो इन दिस पोल्स टेम्परेचर मॉडरेट से भी कम होता है ना, जो टेम्परेचर है वो बहुत कम होता है, टेम्परेट जोन से भी कम होता है, इसलिए इस जोन में ठंड ज़्यादा होती है और कहीं कहीं तो बहुत ज़्यादा माइनस में होती है, -40-50 तक भी जाती है। तो इट्स रेज आर ऑलवेज स्लॉन्टिंग एंड प्रोवाइड्स लेस हीट एंड दीज आर देयर फॉर कॉल्ड फ्रिजिड जोन। ओके, नाउ यू हैव द थर्ड नेम फॉर द जोन मीन्स इट इज फ्रिजिड जोन। तो फर्स्ट वन इक्वेटर के दोनों तरफ कौन सा जोन होता है, टॉरिड जोन। इक्वेटर टॉरिड जोन के जस्ट ऊपर नीचे नॉर्थ साउथ में कौन सा जोन होता है, टेम्परेट जोन। और टेम्परेट जोन के भी ऊपर नीचे मीन्स नॉर्थ साउथ में कौन सा जोन होता है, पोल की तरफ लास्ट जो जोन है वो है फ्रिजिड जोन। तो दीज थ्री जोन्स यू हैव टू कीप इन माइंड। ओके, यू कैन सी दिस पिक्चर अगेन, सी हियर टॉरिड जोन। ओके, दिस इज टॉरिड जोन, नॉर्थ साउथ हो गया, दिस इज नॉर्थ टेम्परेट जोन, साउथ टेम्परेट जोन, एंड इट इज अंटार्कटिका सर्कल का आपका ये फ्रिजिड जोन हो गया, सॉरी। ओके, ये फ्रिजिड जोन एंड दिस इज ये फ्रिजिड जोन, नॉर्थ एंड साउथ दोनों तरफ। ओके, सो टेम्परेट जोन एंड फ्रिजिड जोन हो गया। ओके, तो भाई इट इज फ्रिजिड, फ्रिज मतलब ठंडा है ना, तो यहाँ पे ठंडापन क्यों रहता है, बिकॉज रेज सन रेज जो है यहाँ पे कैसे पोजिशन में होते हैं, या स्लॉन्टिंग पोजिशन में। तो स्लॉन्टिंग पोजिशन में होने के कारण क्या होता है कि दे प्रोवाइड लेस हीट। ओके, वेरी गुड, इट इज दैट्स वाई दिस जोन इज कॉल्ड फ्रिजिड जोन्स। ओके, नाउ कम टू द वाट आर द लॉन्गिट्यूड्स। ओके, अभी हमने क्या पढ़ा, लैटिट्यूड्स के बारे में पढ़ा। ओके, नाउ वी हैव टू लर्न अबाउट द लॉन्गिट्यूड्स। ओके, बट डू वी हैव द टाइम, ओके सो मेन मेन थिंग आई विल टेल यू, देन आई विल शो यू वन वीडियो अबाउट लॉन्गिट्यूड, लेटिट्यूड एंड लॉन्गिट्यूड। ओके, सो वॉट आर द लॉन्गिट्यूड, नाउ यू हैव जस्ट लर्न अबाउट द लेटिट्यूड, नाउ वी आर गोइंग टू लर्न अबाउट लॉन्गिट्यूड्स। टू फिक्स द पोजिशन ऑफ ए प्लेस इट इज नेसेसरी टू नो समथिंग मोर देन लेटिट्यूड ऑफ दैट प्लेस। तो अभी हमको एक लोकेशन के बारे में आइडिया तो हो गया, लेकिन हम उसको पूरी तरह से फिक्स नहीं कर सकते। सो टू फिक्स द पोजिशन, सो वी नेसेसरी टू नो समथिंग मोर। ओके, जितना हम एक्यूरेट किसी चीज़ की पोजिशन हासिल करेंगे, इट इज़ बेटर फॉर अस टू रीच देयर टू नो समथिंग अबाउट दैट प्लेस। ओके, अगर हम ये लॉन्गिट्यूड लेटिट्यूड ना होते तो हम लोग जो आज जो हमारे मोबाइल में GPS होता है वो भी काम ना कर रहा होता। हमें अब पता होता है, हम GPS ऑन कर लेते हैं, हमारी ट्रेन कहाँ पे किस स्टेशन पे रुकी हमें पता चल जाता है, वेयर वी आर है ना, एनी वेयर वी कैन फाइंड अवर लोकेशन एज वेल एज अदर लोकेशन ऑल्सो। ऑन दिस वॉज पॉसिबल ओनली बिकॉज ऑफ द लेटिट्यूड लॉन्गिट्यूड एंड थैंक्स गॉड टू GPS सिस्टम। ओके, सो लेटिट्यूड लॉन्गिट्यूड के बारे में वी आर नाउ लर्निंग। देन यू कैन सी फॉर एग्जाम्पल दैट टोंगा आइलैंड इन द पैसिफिक ओशियन, टोंगा आइलैंड एंड मॉरिशस आइलैंड इन द इंडियन ओशियन आर सिचुएटेड ऑन द सेम लेटिट्यूड 20 degrees साउथ। ओके, टोंगा आइलैंड इन पैसिफिक ओशियन एंड दिस आर टू एग्जाम्पल्स आर गिवन, टोंगा आइलैंड के और मॉरिशस आइलैंड के। ओके, और दिस आर दोनों जो है एक ही लेटिट्यूड पे है 20 degrees साउथ। ओके, नाउ यू हैव टू
यार फोकस केयरफुली कि दोनों ही जो आइलैंड है वो एक ही लेटीट्यूड पे है, एक ही हेमिस्फीयर में भी है, 20 डिग्री साउथ. नाउ इन ऑर्डर टू लोकेट देम प्रिसाइसली वी मस्ट फाइंड आउट हाउ फार ईस्ट एंड ईस्ट और वेस्ट दीज प्लेसेस आर फ्रॉम अ गिवन लाइन ऑफ रेफरेंस रनिंग फ्रॉम द नॉर्थ पोल टू द साउथ पोल. तो यदि हम इनको एक ही लेटीट्यूड पे है तो हम अगर इनका लेटीट्यूड ही जाने होते हम लोग ने और लॉन्गिट्यूड के बारे में हमें नॉलेज नहीं होता तो हम ये इनका इनका जो डिस्टेंस है नॉर्थ पोल से लेकर साउथ पोल तक का वो कैसे जान पाते, है ना. इवन हमें इनका आपस में भी जो डिस्टेंस है वो भी नहीं मालूम होता. तो इनका हमें साउथ पोल नॉर्थ पोल से कि ये कितनी दूरी पर है, नॉर्थ पोल साउथ पोल से ईस्ट में है या वेस्ट में है, या हमारे धरती के ईस्ट में है या वेस्ट में है, ये पता करने के लिए और प्रिसाइसली पता करने के लिए वी मस्ट नो अबाउट द लॉन्गिट्यूड. तो वी मस्ट फाइंड आउट हाउ फार ईस्ट और वेस्ट दिस प्लेसेस आर फ्रॉम गिवन लाइन ऑफ रेफरेंस रनिंग फ्रॉम नॉर्थ पोल टू साउथ पोल. दिस लाइन्स ऑफ रेफरेंस आर कॉल्ड मेरिडियंस ऑफ लॉन्गिट्यूड. तो दिस लाइन्स जो जिसका हम रेफरेंस लेते हैं ऐसे प्लेसेस को ईस्ट या वेस्ट में लोकेट करने के लिए, यानी जो हमारी ये जो लाइन है ये एक जो पोलर लाइन होगी नॉर्थ पॉइंट और साउथ पोल को जो कनेक्ट करती है. अब इस पोलर लाइन के वो ईस्ट में है या वेस्ट में है ये इसका भी तो कोई रेफरेंस होना चाहिए. तो इस रेफरेंस के लिए जो लाइन्स बनाई गई दिस लाइन्स ऑफ रेफरेंस आर कॉल्ड मेरिडियंस ऑफ लॉन्गिट्यूड. ओके, तो ये जो मेरिडियंस ऑफ लॉन्गिट्यूड के थ्रू ही हम जान पाते हैं कि कोई जो प्लेस है वो ईस्ट में है या वेस्ट में उस मेरिडियन लाइन के. तो उसके लिए फिर एक 0 डिग्री लाइन बनाएगी जो कि हमारा एक्सिस भी कह सकते हैं हम इसको, आप लोग इस इसमें देख रहे होंगे. ओके, दिस इज 0 डिग्री मेरिडियन. ओके, दिस 0 डिग्री, तब 0 डिग्री के इधर ये हो जाएगा आपका, ये क्या हो जाएगा आपका ईस्ट. तो ये 0 डिग्री के इधर ईस्ट और ये जो है ये हो जाएगा आपका वेस्ट. ये 0 डिग्री लाइन जहाँ से भी जाती है और ये जाती कहाँ से आपको आगे पढ़ने को मिलेगा, ये लंदन से होती है, ये ग्रीनविच जो जगह है लंदन की ब्रिटेन की वहाँ से होकर जाती है और उसके नीचे जो भी कंट्री जाएंगे उसमें से होती जाती है. ऐसा नहीं कि अकेले ब्रिटेन से ही होकर ये लाइन जाती है. ओके, तो ये माना गया कि जो 0 डिग्री लाइन है ये क्या होगी, प्राइम मेरिडियन होगी. ओके, और इस प्राइम मेरिडियन के राइट हैंड साइड की तरफ की जो भी कंट्रीज है जो भी प्लेसेस वो ईस्ट में मानी जाएगी और जो लेफ्ट हैंड तरफ की जो प्लेसेस है वो वेस्ट मानी जाएगी. ओके, नाउ वी शैल लर्न मोर अबाउट लॉन्गिट्यूड एंड द डिस्टेंस बिटवीन देम आर मेजर्ड इन डिग्रीज ऑफ लॉन्गिट्यूड. तो जो डिस्टेंस जैसे हम लोग लैटिट्यूड में होते थे वो भी डिग्री में होता था और इसका जो डिस्टेंस ये भी डिग्री में होता, बस फर्क ये है कि हम अब इसको ईस्ट वेस्ट लॉन्गिट्यूड बोलेंगे. ओके, ईस्ट डिग्री इज फर्दर डिवाइडेड इंटू मिनट्स एंड मिनट्स इंटू सेकेंड्स. तो इस तरह से फिर आगे इस डिग्री को फर्दर डिवाइडेड इंटू मिनट्स एंड मिनट डिवाइडेड इंटू सेकेंड किया गया. तो दे आर सेमी सर्कल्स एंड डिस्टेंस बिटवीन देम डिक्रीजेस स्टेडिली पोलवार्ड्स. तो ये जो होते हैं ये फुल सर्कल्स नहीं होते हैं, ये होते हैं हाफ सर्कल्स होते हैं, सेमी सर्कल्स होते हैं और इनके बीच का जो डिस्टेंस है वो पोल की तरफ जाते जाते एक दूसरे के बीच में ख़त्म हो जाता है ना, बिकम जीरो एट द पोल्स, क्योंकि सारे जो लॉन्गिट्यूड्स है वो पोल में मिल जाते हैं. ओके, वेयर आर ऑल द मेरिडियंस मीट. अनलाइक पैरेलल ऑफ लैटिट्यूड ऑल मेरिडियंस आर ऑफ इक्वल लेंथ, थस इट वॉज डिफिकल्ट टू नंबर द मेरिडियंस. हैंस ऑल द कंट्रीज डिसाइडेड दैट द काउंट शुड बिगिन फ्रॉम द मेरिडियन विच पासिस थ्रू द ग्रीनविच. सो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, यू मस्ट रीड एंड मस्ट रिमेंबर इट. कि थस अनलाइक पैरेलल्स ऑफ लैटिट्यूड, ओके सॉरी, हाँ ओके, अनलाइक पैरेलल्स ऑफ लैटिट्यूड मेरिडियंस आर इक्वल लेंथ, इट इज वॉट डिफिकल्ट टू नंबर द मेरिडियंस. हैंस ऑल कंट्रीज डिसाइडेड दैट द काउंट शुड बिगेन फ्रॉम द मेरिडियन एंड विच पासेस थ्रू द ग्रीनविच. ये जो ग्रीनविच है ये आपको याद रखना है, वेयर द ब्रिटिश रॉयल ऑब्जर्वेटरी इज लोकेटेड. ये ब्रिटिश रॉयल ऑब्जर्वेटरी लोकेटेड है वो है ग्रीनविच में लंदन के पास एंड दिस मेरिडियन इज कॉल्ड प्राइम मेरिडियन. तो इफ द क्वेश्चन इज देयर व्हाट इज प्राइम मेरिडियन, तो यू मस्ट नो द आंसर. द प्राइम मेरिडियन इज 0 डिग्री लॉन्गिट्यूड एंड इट पासिस थ्रू द ग्रीनविच वेयर ब्रिटिश रॉयल ऑब्जर्वेटरी इज लोकेटेड. तो आई थिंक यू गॉट द डेफिनेशन अबाउट प्राइम मेरिडियन. ओके, एंड दिस फ्रॉम दिस प्राइम मेरिडियन if we count 180 degree eastward as well as 180 degree westward. तो इस लाइन के जो ईस्ट तरफ आप 180 degree जा सकते हैं और इस लाइन के वेस्ट तरफ भी आप 180 degree जा सकते हैं. द प्राइम मेरिडियन एंड 180 degree मेरिडियन डिवाइड
the earth into two equal halves. Okay, you can see in this picture, this is prime meridian. ये भी वर्ल्ड को दो पार्ट में डिवाइड करता है. द प्राइम मेरिडियन इंटू टू इक्वल हाउस द ईस्टर्न हेमिस्फीयर एंड वेस्टर्न हेमिस्फीयर. देयर फॉर द लॉन्गिट्यूड ऑफ द प्लेस इज फॉलोड बाय लेटर ई फॉर द ईस्ट एंड डब्ल्यू फॉर द वेस्ट. इट इज हाउएवर इंटरेस्टिंग टू नोट दैट 180 डिग्री ईस्ट एंड 180 डिग्री वेस्ट मेरिडियंस आर ऑन द सेम लाइन. नाउ लुक एट द ग्रिड ऑफ द पैरेलल्स ऑफ लैटिट्यूड एंड मेरिडियंस of longitude on the globe 2.6. you can locate any point of the globe very easily if you know its latitude and longitude. For example, Dhubri in Assam is situated at 26 degree north latitude and 90 degree east longitude. Find out the point where these two lines cut each other. That point will be the location of Dhubri. Okay, so it is very easy. So from this prime meridian, okay, this is prime meridian. You can see in this picture, prime meridian. This is prime meridian, or its value is 0 degree, you know. And just 0 degree eastward. Suppose you are going this right hand side eastward, so all are values given in the degrees. But one letter E is there, so it E jo hai, wo represent karta hai east ko, okay. So 30 degree, 60 degree, and from this prime meridian, if you go towards west, so here W is written. Okay, see here W. So W denotes for west, 30 degree west, 60 degree west. So like this. Okay, so the prime meridian ke right hand side agar jayenge to east hoga, aur prime meridian ke left hand taraf jayenge to west hoga. Now the one thing is interesting is that जो 180 डिग्री की जो लाइन होगी, अगर हम इस 180 डिग्री जो लाइन होगी वो सेम होगी, बट इट इज़ नॉट एस सेम. बट लेकिन 180 डिग्री की जो भी लाइन है वो अलग अलग नहीं होगी, क्योंकि ये जब पूरा जो ग्लोब हम मैच करें, जैसे 0 degree है यहाँ पे, तो इसके पीछे क्या होगा, पूरी 180 डिग्री लाइन होगी. ओके, तो दैट 180 डिग्री जो है वो एक ही होगी, 180 डिग्री ईस्ट और 180 डिग्री वेस्ट, उसको नहीं लिखा जाएगा बिकॉज, क्योंकि वो लाइन एक ही होगी, इट विल ओवरलैप ऑन ईच अदर. That's why 180 degree को हम कभी east या west नहीं बोलेंगे. That 180 degree east and 180 degree west meridians are on the same line. Okay. So what the benefit from this latitude and longitude? So you can now locate any point on the globe very easily. From the support of latitude and longitude, you can locate any place. Or suppose you have the latitude and longitude. If you know the latitude and longitude, you can point out any location on the globe. So for example, here Dhubri ka example diya hai, Dhubri in Assam. Iska jo latitude ka value hai 26 degree north and longitude ka value 90 degree north. So see how we can find it. 26 and 90 degree. Now keep in mind 26. Where is 26 latitude? आप देखिए जो डॉटेड लाइन है, जिस इक्वेटर, तो आपको नॉर्थ में जाना पड़ेगा क्योंकि नॉर्थ लैटिट्यूड बोला गया है. सी हियर, तो अगर ये 20 एंड 20 सपोज हियर, सॉरी 20 एंड 40 के बीच में है, मतलब 26 जो है जस्ट अबव द 20 डिग्री नॉर्थ के पास होगा. ओके, एंड आवर इंडिया इज लोकेटेड इन हियर फ्रॉम 68 to 97. तो हियर वी कैन नॉट लोकेट आवर इंडिया बिकॉज 68 डिग्री ईस्ट इज नॉट गिवन ऑन दिस पिक्चर. Okay, but it is very easy for us to locate it. So 26 degree north and 90 degree east, because here 90 degree east is not given in this picture, in this map, in this picture. So you can find on the map also, you can find in on the bigger globe. Okay. So this was about the latitude and longitude. To understand this clearly, draw equidistant vertical and horizontal lines on the paper. One example is given here, figure 2.7. you can see. So it is very easy to find. Label the vertical rows with numbers, horizontal rows with letters. Okay, and some circles, small circles with letters. Draw some line circles randomly on the points where these horizontal vertical lines intersect each other. Okay, name these small circles as A, B, C. Okay, you can see the small circles A, B, C
ओके ना लेट वर्टिकल लाइंस रिप्रेजेंट ईस्ट लॉन्गिट्यूड, जो वर्टिकल लाइंस है 1 2 3 4, ये लॉन्गिट्यूड को करते हैं, दिखाते हैं, रिप्रेजेंट करते हैं, एंड द हॉरिजॉन्टल लाइंस एज ए नॉर्थ लैटिट्यूड. ओके नाउ यू विल सी दैट सर्कल ए इज लोकेटेड ऑन बी डिग्री नॉर्थ. ओके सर्कल ए का लोकेशन हम इजीली पता कर सकते हैं. कैसे पता कर सकते हैं कि ये क्या है? बी डिग्री नॉर्थ एंड उसका जो लॉन्गिट्यूड होगा 1 degree east, isn't it? है ना? तो हम किसी भी फाइंड द लोकेशन ऑफ अदर सर्कल्स. ओके नाउ आई कैन आस्क यू आल्सो. ओके सपोज वेट हियर, सपोज वी हैव टू फाइंड आउट द लोकेशन ऑफ बी. ओके हियर इज द स्मॉल सर्कल इज बी, दिख रहा है आप लोगों को? सो इसका लोकेशन हम अगर लिखना है तो कैसे लिखेंगे? हमको लिखना पड़ेगा डी डिग्री, ये जो है इसका लोकेशन हम कैसे लिखेंगे? डी डिग्री नॉर्थ एंड उसका लॉन्गिट्यूड क्या होगा? 1 degree क्या ईस्ट. ओके तो इसका जो इस तरह से लोकेशन आएगा डी डिग्री नॉर्थ एंड 1 degree east. इन द सेम मैनर वी कैन लोकेट सी ऑल्सो. तो सी का लोकेशन क्या होगा? सी का जो लोकेशन है वो होगा सी डिग्री नॉर्थ एंड 3 degree east. ओके तो इस तरह से नॉर्थ एंड एन फॉर नॉर्थ, ई फॉर ईस्ट, एंड जो सी है वो डिनोट करता है इसके डिग्री को, लेटिट्यूड की डिग्री को, और जो थ्री है वो रिप्रेजेंट करता है लॉन्गिट्यूड के इसको. ओके लॉन्गिट्यूड के वैल्यू को. तो इस तरह से हम लोग किसी का भी लोकेशन यहाँ पे लिख सकते हैं. ओके आई होप यू अंडरस्टूड ऑल दिस थिंग्स. सो रिमेनिंग पार्ट आई विल टेक इन नेक्स्ट लाइव क्लास. ओके सो आई विल नाउ आई वांट टू शो यू वन वीडियो, सो बी रेडी फॉर इट. See, watch this video. Latitudes and longitudes. Just like a letter is able to reach your house through your address, a specific place on the map or on the globe can be located with the help of geographic coordinate system. The geographic coordinates of a place consist of the degrees of latitude and longitude. Latitudes or parallels are imaginary lines drawn parallel to the equator towards both the north and south directions. They are measured from 0 degree to 90 degrees in both hemispheres. The earth is round, and so the length of the latitudes decreases as we move towards the poles. Longitudes or meridians are the imaginary lines drawn between the two poles. They divide the earth in 360 equal segments, like that of an orange. The 0 degree longitude passing through Greenwich in England is called the prime meridian. One half of the world is measured in 180 degree longitudes of east, while the other half in 180 degree longitudes of west. Both the latitudes and longitudes form a grid in which they intersect each other at right angles. So, for locating a place on earth, you need to read the degrees of latitude and longitude. For example, city of New Orleans is located at 30 degree north and 90 degree west. Remember one thing. Although a few lines of latitudes and longitudes are shown on the globes and maps, their number is infinite. So, a city can fall in any one of these crossings.
So hope you like this video. So that's all for today's class. Thank you very much.